रहमीम्स वरह वक् मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए जिसमें आप तमाम से गुजारिश है और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है उसके खिलाफ एतराजा देने का वक्त पंद्रह दिन का दिया गया है और पंद्रह दिन की मोहलत तेरह सेप्टेम्बर को खत्म हो रही है तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यू आर कोड के जरिए हमको ये सहूलत फराम की है कि हम इस प्रपोज बिल के खिलाफ अपनी अपने एहतजाज को और अपनी आ, मुखालिफत को दर्ज करवाएं तो उसका तरीक़ार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस क्यू आर कोड को देखिए और उस क्यू आर कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा एक ब्लू बटन आएगा ओपन जी मेल ओपन जी मेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीजें आ जाएंगी इस पर आपका ई अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग क्योंकि जुमे का दिन तेरह तारीख आखिरी दिन है तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत क़ानून को जो हमारी वफ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया हमारी मस्जिदों को खानखाओं को ख़बरस्तानों को हमारी ज़रात की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया मेरी आप तमाम से गुजारिश है चाहे वो मुतवली हो चाहे वो किसी जिम्मेदार हो कौम और मिलत के आप अपना इस क्यू आर कोड के जरिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मंजलिस के तमाम एम एल एज़ इन शह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्केजात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये क्यू आर कोड लगाया जाएगा और तमाम मुसलीन से और खास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठ कर बड़ी तादाद में, में मेरी माँ और बहनें इस काले कानून के खिलाफ इसका रिजेक्शन करें क्यू आर कोड के ज़रिए बहुत बहुत शुक्रिया अलमकूँ